नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी फिश करी की रेसिपी शेयर करूंगी। एक बार आप मेरे तरीके से रेसिपी को बना के जरूर देखिएगा, उम्मीद करती हूँ पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो आज की रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पे तेलापिया फिश आधा किलो। फिश आप अपने जरूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। सबसे पहले हम फिश में डालेंगे एक चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर और साथ ही हम डालेंगे एक चम्मच सरसों का तेल। सिर्फ एक चम्मच डालेंगे हम और अच्छे से मसाले हम फिश में मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप कौन से गांव से या कौन से शहर से देख रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज की रेसिपी बनाने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो मसाले मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब हम कढ़ाई में ले लेंगे तेल। तेल जैसे हमारा मीडियम गर्म हो जाए हम एक एक करके मछली इसमें डाल देंगे। 4 से 5 मिनट के लिए हम मछली को पलट पलट के फ्राई करेंगे जब तक अच्छा सा कलर ना आ जाए। एक बारी में जितना आराम से फ्राई हो सके उतना ही हम डाल देंगे। गैस का फ्लेम अब हम मीडियम करेंगे और एक तरफ पहले 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट बाद सभी मछली को हम पलट के दूसरी ओर भी फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए। और आप देख सकते हो दूसरी ओर बहुत ही सुंदर कलर आ गया है। 4 से 5 मिनट लगेगा आपको मछली को फ्राई करने में, तो 1-1.5 मिनट के लिए और हम फ्राई कर लेंगे। दोनों ओर से जैसी मछली हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए हम निकाल लेंगे। और आप देख सकते हो दोनों ओर से बहुत ही सुंदर कलर आ गया है। और इसी तरीके से बाकी मछली भी हम फ्राई कर लेंगे। मछली जैसी हमारा फ्राई हो जाए हम डालेंगे इसी तेल में 1 चम्मच कलौंजी। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे रखेंगे। कलौंजी जैसे फ्राई हो जाए हम डाल देंगे यहाँ पे एक बड़े साइज के प्याज को पतले स्लाइस में काट के। गैस का फ्लेम मीडियम करके हम प्याज को फ्राई कर लेंगे प्याज के कलर चेंज हो जाने तक। प्याज का कलर जैसे चेंज हो जाए हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 मिनट के लिए और हम फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन जैसे हमारे भून जाए हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे करेंगे और डालेंगे ड्राई मसाले। 1.5 चम्मच हम डालेंगे कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, तीखा कम ज़्यादा आप कर लीजिएगा। साथ ही हम डालेंगे 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और मसाले को 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। मसाले जैसे अच्छे से हमारे भून जाए हम डाल देंगे यहाँ पे 2 मीडियम साइज के टमाटर को थोड़े से मोटे टुकड़ों में काट के। साथ ही हम नमक डालेंगे स्वादानुसार। टमाटर को हम पूरी तरीके से मैश नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम पानी डाल के 3 से 4 मिनट के लिए मसाले को फिर से भूनेंगे। फ्रेंड्स, आज की मछली की करी आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, खाने में आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। रोटी चावल किसी के साथ भी आप इसे खा सकते हो। 3 से 4 मिनट हो गए टमाटर डाल के मसाले को भूनते हुए और आप देख सकते हो टमाटर हल्का सॉफ्ट हो गया है लेकिन पूरी तरीके से मैश नहीं हुआ है। अब हम डाल देंगे यहाँ पे 1 कप पानी। पहले हम ग्रेवी में एक बॉईल आने देंगे। डालेंगे हम 1/2 चम्मच गरम मसाला। जैसे ग्रेवी में बॉईल आ जाए हम डाल देंगे यहाँ पे मछली। हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम करके हम ढक के पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट हो गए और हमारा टेस्टी मछली करी बनके तैयार है। लास्ट में हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। बस हल्के हाथों से हम एक बार मिक्स करके गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ग्रेवी जैसी मर्जी आप यहाँ पे रख सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा और ड्राई पसंद हो तब आप यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए
ग्रेवी को ड्राई कर लीजिएगा। धनिया पत्ते डाल के अच्छे से मिला दिया है गैस का फ्लेम, अब हम बंद कर देंगे और पैन को कवर कर देंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद हम मछली करी को सर्व कर लेंगे और आप देख के समझ सकते हो ये खाने में कितना टेस्टी होगा। चावल के साथ खाने में आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा, बस एक बार आप मेरे तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी कैसा लगा बनाने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी खाने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।